तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो पे। तो आज की वीडियो पे गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप FFIC पे आप किस तरह से आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और आप बॉट्स पा सकते हो। तो बॉट्स और नूब प्लेयर्स मतलब कि पा सकते हो अपनी लॉबी पे किस तरह से, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। गाइज हम बहुत करीब है 350 सब्सक्राइबर्स से, तो कर देना यार। तो चलो अभी अपन चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइज जो अपनी पहली मतलब कि ट्रिक है उसको वो मतलब कि क्या है कि मतलब बहुत से बंदे मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब कि लॉबी पे मतलब कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मतलब कि लॉबी पे बॉट कैसे पाएं और मतलब कि क्वालिफाई करने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए, है ना, स्ट्रेटजीज वगैरह। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको वही बताऊँगा। तो गाइज चलो बिना देरी करे चलते वीडियो की तरफ। सो गाइज आपको पता ही होगा कि अपना जो FFIC है उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है FFIC 2021 का। तो अगर आपने भी रजिस्टर नहीं किया तो जल्दी से अपनी टीम के साथ क्या कर रहे हो, रजिस्टर कर लो क्योंकि आप मतलब कि क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइज अभी अपने पहनी ट्रिक क्या है कि मतलब कि कई बंदे लोग क्या करते हैं ना कि कई बंदे क्या करते हैं, जोन के कॉर्नर पे बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर अपन आठों के आठों गेम बुया कर लेंगे फिर भी अपन क्वालिफाई हो जाएंगे। तो भाई लोग ऐसा नहीं होता है, आपको आठों के आठों मैच तो बुया करने हैं बट उसके साथ आपको किन्स के साथ करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा आपको मिनिमम कितने किन्स लगेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। तो आज सो गाइस क्या है कि मतलब कई बंदे लोग जोन के कॉर्नर वगैरह पे छुपे रहते हैं कि अपने को बुया निकालना है। तो गाइस मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, ये जो चीज़ आप सोच रहे हो आठों के आठों गेम बुया, मैं कर चुका हूँ गाइस आठों के आठों में के मैच बुया। लेकिन अपन लोगों के क्या था ना कि अपन लोगों के 7-8 किन्स ही हो रहे थे, इस वजह से अपन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जब ये FFIC का फर्स्ट वाला जो आया था FFIC सीज़न 1 उसका उसमें की उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको गाइस करना क्या है कि इसमें इसके लिए आपको एकदम रस खेलना है, जैसे कि ब्राज़ीला उतरना है। और गाइस मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सो गाइस आपको क्या करना है कि जब आप लैंड करो तो आपको चारों बंदों को गाइस साथ पे रहना है, मतलब साथ में रहना, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं रसिंग खेलने जिन बंदों को पता होता है कि यहाँ पे कैसे खेलना, एक्सपीरियंस्ड बंदे जो होते हैं उन्हीं लोग बस रस खेलते हैं। तो आपको क्या करना है कि रस खेलना है, वहाँ पर अच्छे बंदे आएंगे तो आपको क्या करना है चारों बंदों को साथ में लैंड करना है। और फिर उसके बाद जब मतलब कि जब आप वहाँ पे से मतलब जैसे आप ब्राज़ीला कूदे तो आपको वहाँ पर से कम 2 स्क्वाड्स वाइप करनी है। 2 स्क्वाड्स आप वाइप कर दोगे 8 किन्स हो जाएंगे आपके। फिर आपको क्या करना है कि आपको गाड़ी, अगर आपको गाड़ी वगैरह मिले लैम्बोर्गिनी या फिर कोई भी गाड़ी मतलब जो आपको पसंद हो गाड़ी वो आप उठा सकते हो, या फिर आप मतलब कि अच्छे खासी टीम है आपकी तो आप कोई सी भी गाड़ी में चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है गाड़ी लेकर आपको 2-2 के पेयर पे स्प्लिट हो जाने, या फिर आप अकेले भी जा सकते हो अगर आपकी टीम के बंदे बहुत अच्छे हैं। तो आपको करना क्या है ना कि आपको मतलब प्लेयर जैसे ही अलग जाएं आपको मतलब जाते हैं ना, और आपके सामने अगर आपके किसी बंदे को बंदे दिखते हैं तो उसको उसके ऊपर फायर नहीं करना है, उसको बस क्या करना है अपने टीम वालों को पोजीशन बोलनी है कि मेरे पास पूरी स्क्वाड है भाई आ जाओ। तो आपके पूरे टीममेट्स को मतलब सब अपने जहाँ भी जा रहे हैं वो सब काम वाम छोड़ के उनको आना पड़ेगा सीधा आपके पास। और आपके पास जैसे मतलब कि वो आएंगे तो आप चारों ऐसे करके पूरी स्क्वाड को वाइप कर सकते हो वहाँ पर की। और ऐसे ही कर करके गाइस आपको कम से कम गाइस एवरेज मैच पे अगर आपके 22-23 किन भी रहेंगे और अपने सारे गेम बुया रहेंगे, मतलब टॉप 5 मैच ही काउंट होंगे, अगर आपके 5 मैचेस बुया रहेंगे 22-23 किन के साथ तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। और गाइस बात रही अभी अपन दूसरी चीज़ क्यों बढ़ते कि आपको बॉट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे गेम पे। तो भाई लोग यार मेरे को तो बॉट्स का तो पता नहीं, बट गाइस आपको मैं यही चीज़ बताऊंगा कि आप एकदम रसिंग खेलना और एक मतलब कि बहुत ही अच्छी टीम बना के जाना जिसमें मतलब एक से एक अच्छे प्लेयर्स हों, वैसी टीम बना के जाना जिससे कि मतलब आप अगर अच्छे बंदे भी आ जाए तब भी आप हैंडल कर सको। तो ज़रूर खेलना क्योंकि इसमें डायमंड का भी प्राइस पूल बहुत ज़्यादा रहता है, 2.5 से 3 लाख डायमंड का प्राइस रहता है इसमें। तो और गाइस एक और चीज़ बता दूँ,
कि गाइज इसमें इसको खेलने के लिए आपकी रैंक डायमंड 1 होनी चाहिए और लेवल कम से कम 40 होना चाहिए, और मतलब आपको एक बेस्ट टीम लगेगी और आपकी एज कम से कम 16 होनी चाहिए, तभी आप इसको खेल सकते हो। और बंदो यार अच्छे से खेलना, मैं तो यही उम्मीद करूँगा। और गाइज क्या क्या, और गाइज मैंने जो जो टिप्स बताई अगर फॉलो करना, अगर काम आए तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। It's caught in the crossfire.